आज के लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से इतनी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स या इतनी बीमारियां पैदा हो गई हैं कि जिसके बारे में कभी पुराने जमाने में सुना भी नहीं होगा, जैसे कि डायबिटीज, अर्थराइटिस, थायराइड, बीपी, शुगर, और इसके साथ साथ दोस्तों एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, अगर उसका मैं नाम लूँ अंदर से रूह कांपती है, उसका नाम है सोरायसिस, यानी कि चमड़ी रोग। जिस इंसान को ये जो सोरायसिस है ना होती है, उसकी पीड़ा वही जाने। ना सिर्फ बारीक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसके साथ साथ जो मानसिक प्रताड़ना है उससे भी पेशेंट को गुजरना पड़ता है। यहां तक कि अपने सगे संबंधी, प्यारे मित्र, साथ बैठने वाले भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। इतनी जबरदस्त खतरनाक बीमारी है। और ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि भाई शायद सोरायसिस का जो ट्रीटमेंट है वो हो ही नहीं सकता, और लोग क्या करते हैं, सालों साल इस चमड़ी के रोगों को इसके साथ ही जीना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां कहीं भी इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को पता लगता है ना कि भाई यहां पे इसका ट्रीटमेंट है, यहां पे इंजेक्शन लगते हैं, यहां पे स्टेरॉइड दिए जाते हैं, या यहां पे इसका कोई ट्रीटमेंट है, वो कोई ऐसा वैद्य, डॉक्टर या हकीम नहीं छोड़ता जहां पे वो नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद के अंदर और पंचकर्म विधि के अंदर इस खतरनाक बीमारी यानी कि सोरायसिस का बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बड़े अच्छे ढंग से इसको मैनेज किया जा सकता है। हमारे यहाँ दीप आयुर्वेदा के अंदर, क्योंकि जब 2006 में दीप आयुर्वेदा की शुरुआत हुई थी, हमारे डे वन डॉक्टर बलदीप कौर का जो फोकस था वो स्किन डिजीज के ऊपर था, और पिछले 16 साल के अंदर हमारे यहाँ से लगभग हजारों लोग जो सोरायसिस से ग्रस्त थे वो ठीक होके गए होंगे और आज अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, बशर्ते कि जैसा उनको गाइडेंस दी गई डॉक्टर्स ने, जैसा उनको बताया गया कि आपने क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, क्या खान पान फॉलो करना है, वो करते रहे और आज दे आर वेरी हैप्पी। उन्हीं में से अगर दोस्तों मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊं, शेयर करूं, आप देख के आपकी रूह को आप जाएगी उनके पेशेंट की। आइए देखिए, ये मेरे स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर है, ये हालत देखिए इस पेशेंट की जब ये हमारे क्लिनिक पे आया था, तो ये समझ लो कि इसका पूरा बॉडी पार्ट पैर से लेकर सिर तक ऐसा लगता था कि जैसे जला हुआ हो, लेकिन ये बड़ी बुरी तरीके से प्लेग टाइप की सोरायसिस थी। और आफ्टर पंचकर्म और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद इसकी, इस पेशेंट की ये कंडीशन थी एग्जैक्टली आफ्टर 30 डेज। कोई पहचान नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कि ये आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद की पिक्चर होगी इस पर्सन की। आज भी जीता जागता है, शादीशुदा जिंदगी इंजॉय कर रहा है, एनीबॉडी कैन कॉल एंड टॉक टू हिम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तो दिखाऊं मैं, ये भी इसी की पिक्चर है, ये इसकी बाजू है, और ये कोई दूसरा पेशेंट है जो ट्रीटमेंट के बाद की पिक्चर है, लेकिन इसकी मैं फोटो दिखाता हूं आपको, पहले ये देखिए। ये तो ऐसा लगता था पेशेंट जैसे जल चुका हो। तकरीबन इस पेशेंट की एज आई थिंक 35-37 के आसपास रही होगी, 2012 की बात है मेरे ख्याल से ये, उस टाइम की मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आज की नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका भी यही हाल था, पूरी बाजू, इसकी लेग्स, शरीर, ये देखिए इसकी टांगें कितनी बुरी हालत में थी। और जो मैंने पीछे पिक्चर दिखाई ये आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद की पिक्चर है उसी पेशेंट की, आफ्टर 10 दिन के ट्रीटमेंट में, पंचकर्मा में ये कंडीशन थी। और इसकी लेग जो है ये पहले ऐसी थी ये वाली, और इसके बाद ये टांगें देखिए आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको ये। सो ये 2-3 पेशेंट मैंने आपको यहां दिखाए दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद के अंदर कितनी शक्ति है और आयुर्वेद के अंदर कितने गुण हैं, बशर्ते कि अगर हम उसको अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी डेली दिनचर्या के अंदर, अपने खान पान में अगर अपनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका या आपका कोई सगा संबंधी या आपका कोई रिश्तेदार या आपका भाई, प्यारा मित्र भी इस जटिल बीमारी से या ऐसे सोरायसिस से परेशान है, तो नो नीड टू वरी, आप हमारी डॉक्टर टीम से संपर्क करिए। आपके नीरेस्ट को जहाँ पे दीप आयुर्वेदा की ब्रांच हो, पंचकर्मा सेंटर की या क्लिनिक की, वहाँ मिलिए और भाई इस जटिल समस्या से छुटकारा पाइए। धन्यवाद।